हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टार्ट विद धीरज। आज फिर से मैंने सोचा कि चैप्टर अब थोड़ा सा ही बचा है तो फिनिश कर देते हैं। घसीटने से कोई मतलब नहीं है, तो बिना भेजे की फ्राई बनाए। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, वो भी बिना किसी बकवास के। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। हाँ, हमने देखा है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, चाहे वो एसिड और बेस हो, चाहे वो एसिड और मेटल हो, उसमें सॉल्ट ज़रूर प्रोड्यूस होता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मतलब कि सॉल्ट आखिर क्यों होता है? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, देखो सॉल्ट हाँ एक टाइप का नहीं होता, सॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। अब नीचे जो सॉल्ट है, ये सारे सॉल्ट के टाइप्स हैं, इन सब के केमिकल फार्मूला लिख के दिखाओ। अगर आप अपने आप को केमिस्ट्री का कोई प्रोफेसर समझते हो तो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वैसे इतने मुश्किल भी नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। आइडेंटिफाइज एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच द अबोव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। सॉल्ट हैव द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl या फिर NaSO4, वो दोनों एक ही फैमिली यानी सोडियम की फैमिली से। हाँ यस, सोडियम की भी अलग फैमिली है। बट बेचारे को BP हो गया, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया। हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमॉन्ग द सॉल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी? या 15-20 शायद, नहीं मतलब आधे शायद। अब pH, सॉल्ट का pH क्या होता है? कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैम्पल्स: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन। भाई हमारे घर पे तो एक ही सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट। यस, टाटा सॉल्ट और वो बस टाटा सॉल्ट। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। हाँ भाई, हाँ पानी तो वेस्ट करने के लिए बना है ना, पानी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑन द लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक एंड न्यूट्रल? आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH ऑफ 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH विच आर लेस देन 7 एंड दोज। अरे भाई इतना क्यों लिख रहे हो, इतना लिख दो ना कि जिसमें बेस ज़्यादा होता है वो मतलब बेसिक होते हैं, जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, जिसके pH कम होता है वो तो एसिडिक ले देते हैं। अब ऐसा लिख रहे कि बेस ज़्यादा जिसमें होता है और एसिडिक जिसमें कम होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। अरे सीधा एक पॉइंट लिखो। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट क्या है भाई? नाउ हैव यू लर्न डेट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, नहीं पता था मेरे को। सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। हाँ ये ज़रूर पता था। दिस इज द सॉल्ट डेट यू यूज इन फूड। हाँ जी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबो एक्टिविटी डेट इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। हाँ शायद, हाँ। द सी वाटर कंटेन्स मेज मैनी सॉल्ट डिजॉल्व। अच्छा, सोडियम क्लोराइड इज अ सेपरेटेड फॉर्म दिस सॉल्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सर्वाइवल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। बीड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वेयर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ कार्बोनेज स्ट्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च।
Did you know that sodium chloride was such an important symbol in your struggle for freedom? हाँ जी हाँ पता है, आज भी वही पढ़ते हैं। बट नहीं, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। देखो द कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल ऑफ दिस अदर सब्सटेंसेस। तो हम अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के। अब अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में। चलो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ये टर्म भी याद रख लो, इसको कहते हैं ब्राइन, ठीक है। तो अभी वाला कोड नहीं, कोड बीच में डाल दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्राइन। इट डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इट प्रोसेसेस टू द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस्ड फॉर्म क्लोर क्लोर फॉर्म फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू NaCl जो कि एक्वेशियस फॉर्म में है, प्लस टू एच टू ओ टू एन ए ओ एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज कैथोड कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। The three products produced in this process are useful. Table 12. Sorry. So, तो ये different use है, उन तीनों की properties भी अलग है। So, चलो एक बार इस diagram को समझ लेते हैं। इतना बड़ा सा diagram दिया इन्होंने, तो मतलब important ही होगा, right? तो देखो इसमें क्या है, ये एक membrane है, ठीक है। ये जो है ये एक मेम्ब्रेन है, और ये है एक कैथोड और एक एनोड। सो अब वाटर ट्रीटमेंट जो होता है स्विमिंग पूल्स के अंदर, पीवीसी डिस्टिलिंग पी स्ट्रीम, तो ये उतर जाता है क्लोरीन वाला पानी, और ये है एनोइड वाला, ये है कैथोड वाला। तो कैथोड वाले में निकलेगा H2O, और यहाँ पर लिखेगा ब्रून वाला। तो अब ब्लीचिंग पाउडर, यू हैव ऑलरेडी केम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेशियस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। दिस क्लोरीन गैस हैज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग इज द प्रोड्यूस प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl, यानी कि ये जो है इसको CaOCl से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्चुअल कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्लोरीन प्लस H2O। तो अब ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो ब्लीचिंग कॉटन जो है और वो लाइनिंग टेक्सचर इंडस्ट्रीज में, ब्लीचिंग वुड का जो पल्प है वो पेपर फैक्ट्रीज में, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ लॉन्ड्री में, एंड ऑक्सीडेशन एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आप कहाँ पे काम आता है? जब शुरू शुरू हो, राइट, तो इन लोग जो करेगा फाइट, यस, और शायद यहाँ द बेकिंग सोडा इज द कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग द टेस्ट क्रिस्पी पकौड़ास। अरे वाह, इस बुक का राइटर को हिंदी राइटर है लगता है। पकौड़ास पर नहीं, हम पकौड़ा में बेकिंग पाउडर नहीं डालते। खैर छोड़ो, कुछ नहीं, कोई हिंदी राइटर है ना राइट इसका, समटाइम्स इट इज अच्छी बात है भाई, कोई हिंदी राइटर हो, हमारे इंडियंस की थोड़ी तो मजबूरी समझेगा वो। Sometimes it is acid for faster cooking. This chemical name of the compound is known as sodium hydrocarbonate. It is produced using sodium chloride as the new raw material.
Did you check the pH of sodium hydroxide? हाइड्रोकार्बोनेट भाई पीएच हाँ नहीं क्या हमने कैन यू कैलकुलेट कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड एसिड को न्यूट्रलाइज अच्छा 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 वो इनो वाला हाँ भाई क्यों बता दो क्योंकि द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस सो ठीक है तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम थोड़ी सी हीट दे देते हैं तो फिर ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस एच टू एन सी ओ टू सो सोडियम कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड तो सोडियम कार्बोनेट के बहुत सारे यूजेस हैं बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे बेकिंग सोडा ही बन पड़ रहे थे ना हाँ बेकिंग सोडा ही था सो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड अ माइल्ड एलेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस NaHCO सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एच प्लस आयन फ्रॉम एनी एसिड सो ये 12 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ठीक है सो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू रिस मेकिंग देम सॉल्ट एंड स्नोपनी तो देखो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो एक इंग्रेडिएंट है या फिर एक एंटी ऑक्सीडेंट है बट वो एक एल्कलाइन भी है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है पेट में या फिर कहीं पर एसिड होता है तो और वो जो है कि वो सोडा एसिड फायर इग्निशर्स में भी यूज़ होता है वॉशिंग सोडा के है सो एक और केमिकल है जो ऑप्टेन होता है सोडियम क्लोराइड से जो कि है NaCO3 यानी कि 10H2O सो ये है वॉशिंग सोडा सो यू हैव सीन अबाउट डेट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑप्टेन बाई हीटिंग बेकिंग सोडा हाँ सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा तो मतलब हीटिंग करने से तो क्लोराइड मिलेगा फिर पर उसको वापस जब अपन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो अपन को सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा एंड विच गिव्स वॉशिंग सोडा इट ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट अच्छा तो वो भी बेसिक सॉल्ट होता है सो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O विच विल इक्वल्स टू Na2CO3 0.10H2O ठीक है सो अब वाई डज 10H2O सिग्निफाइज डज इट मेक Na2CO3 हाँ भाई आगे 10H2O का काम क्या है वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन क्यों भाई ये सेक्शन मेरा है मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे यार ये इंडियंस ना ट्विस्ट बहुत डालते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आर यूजफुल फॉर केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं भाई इसके यूजेस ऐसे हैं कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो वॉशिंग सोडा है वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज ठीक है और वो मैन्युफैक्चर होता है सोडियम कंपाउंड्स के साथ बोरेक्स के साथ तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्लीनिंग एजेंट भी है डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट एंड हार्डनेस ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर सो देखो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके के अंदर पेयर ऑफ द टंग्स है और ये है हमारे मिस्टर एल्बर्ट नॉन साइंटिस्ट मिस्टर एडवर्ड नॉन साइंटिस्ट सो ये एक बर्नर ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ये है वाटर ड्रॉपलेट्स ये बॉइलिंग ट्यूब ये पेयर ऑफ द टंग्स किसको याद है द स्टोरी ऑफ द टंग्स कितनी अच्छी स्टोरी थी ना सो अब ये टेबल 2.15 एक्टिविटी हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब What is the color of the tube sulfate after heating? Do you notice water droplet in the boiling tube? Where has this come from? And 2.3 what drops of the sample of copper sulfate obtained after heating? What do you observe? In this blue color of copper sulfate dissolved is stored.
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। जब क्रिस्टल्स हीटअप हो जाते हैं तो वाटर जो है वो वहाँ सॉल्ट से रिमूव हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड डैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपेयर्स। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोकार्बोनेट सल्फेट इज CuSO4 एंड 5H2O। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO2 एंड N2O2 इज वेट। अच्छा, तो देखो एक अनादर सॉल्ट है जिसका प्रोसेस जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और इसको अपन कहते हैं कायस्पर्म, और इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के क्रिस्टलाइजेशन, और इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। लेट अस टोक इन टू यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। तो देखो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस और नीटिंग कायस्पर्म में 373 के, एक मिनट, ये 373 के का मतलब तो शायद एक डिग्री होता है ना। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर। अच्छा, वो वाला क्या? तब देखो इसकी एक इक्वेशन है CaSO4.5H2O। वाह भाई, पहली बार 0.5H2O पढ़ रहा हूँ। 1/2 H2O CaSO4 2H2O। नाउ डेट ओनली अ हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव यू कैन गेट अ हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज इट रिटन इन दिस बिकॉज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, इसलिए आप लिखा है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स यूज फॉर मिक्सर्स एंड सरफेस स्मूथ। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमिल्ट्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ द पेरिस। सो हमारी आ जाती है नोट्स की, हमने नोट से पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? चलो यार पढ़ा देता हूँ, कोई देखता ही नहीं यार आजकल के वीडियोस। चलो अब मैं कोड भी डाल ही देता हूँ, इतना तो अपने डिस्ट्रैक्शन हो ही चुका है। 111। सो प्लीज़ इस कोड को, इस कोड का नाम है ATCODE। सो प्लीज़ इस कोड को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, जिससे भाई पता तो चले कि यहाँ तक किसी ने देखा भी है। 19 व्यू आए कल के वीडियो पे, मतलब 19, लिटरली सच में 19 व्यूज। शर्म आती है यार। चलो अब सॉल्ट के बारे में और पढ़ते हैं। तो अलग अलग सॉल्ट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो हम बुक में हमको फाइंड करने के लिए कहा था, ये मैंने नोट्स में फाइंड करके रखे हुए हैं। सो इनके ये रहे फार्मूलाज, ये रहे डिराइवेड फॉर्म और ये रहे डिराइवेड फॉर्म। सो NaCl एंड Na2H2O4 बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एज दे आर सेम रेशियस। ठीक है, दो दोनों ही सोडियम की फैमिली से हैं, पर बेचारा उन सबको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। देखो pH हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है। अगर कभी इंजेशन हो जाता है स्टोमच के अंदर, मतलब खाना अगर अच्छे से नहीं पचता है, तो फिर हमको pH में कंटेन सॉल्ट उससे हमको पता चलता है कि pH, हाँ इस मटेरियल का pH इतना है, तो इतना ज़्यादा हाई है तो फिर मैं इसको ले सकता हूँ। तो ऐसे जो एंटीसिड न्यूट्रलाइजेशन होते हैं वो एसिड को थोड़ा सा कम कर देते हैं और रिलीफ कर देते हैं। अब एसिड रेन की pH क्या होती है? देखो एसिड रेन जो होती है उसमें अगर 5.6 से अगर कम pH होता है रेन का, तो फिर वो एसिड रेन होती है। और pH सॉइल की क्या होती है? देखो प्लांट्स को जो है वो एक स्पेसिफाइक रेंज ही होती है pH की उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, पर बहुत सारी जगहों पे वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो फिर फार्मर्स उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी 7.0 से 7.8 तक ही झेल सकती है pH, बाकी वो नहीं झेल सकती। और टूथ टिकले जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है मेनली, जो हम शुगर ईट करते हैं। देखो एक सर्वे हुआ था जिसमें
टूथ रखे थे स्कल्स के, मतलब मरे हुए लोगों के, तो उसमें जो जब से शुगर आई है तब से किसी के दांत ही नहीं बचे लास्ट एज में। और जब शुगर नहीं थी तो सबके एकदम परफेक्ट दांत थे, तो इसमें मेन काम जो है वो शुगर का ही है। अब बी स्ट्रिंग या फिर निडल स्ट्रिंग कंटेन मेटाहोलिक एसिड। देखो ये एक प्लांट होता है जो हाथ लगाने पे उसके निडल हमारे हैंड पे छोड़ देता है। तो अब ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो रियली में हमने देखे हैं सुने हैं वैसा। अब है न्यूट्रल सॉल्ट, तो इसमें क्या है, इसमें एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सो तो इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, बेसिक सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड। अभी केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, देखो कॉमन सॉल्ट का जो है वो केमिकल फॉर्म भी है, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसको अपन कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं हमारे फूड में डालने की वजह से, और रेस के वो हमारे डेली यूज़ में आता है इसलिए हम उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अब रॉक सॉल्ट क्या है, रॉक सॉल्ट क्या है, वो ब्राउन कलर में होता है क्योंकि वो डर्ट डर्ट और उन सब से वो भरा जाता है। सो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए एक प्रोसेस है, बुक में इसका डायग्राम अच्छे से था अगर देखा होगा तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। सो सॉल्ट NaCl, सो अब कैथोड के एक एनोइड की तरफ, और फिर जो कैथोड की तरफ जा रहा है वो फ्यूल्स और फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, एनोइड की तरफ वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्री मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। अब जो NaOH है वो सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। यूजिंग टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री सच एज डिस इनफेक्ट, बेकिंग सोडा। अब कॉमन सॉल्ट, कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिख दो ना। अब प्रिपरेशन NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NaCl3। देखो हीटिंग जब अपन करते हैं NaHCO3 को यानी कि सोडियम कार्बोनेट को, तो वो निकाल देता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सो अब देखो CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ पे है, यूज़ है इसका एज अ बेकिंग पाउडर और एज अ हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट के तौर पे भी इसका अपन यूज़ करते हैं। तो ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोडक्ट्स NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, देन इट विल इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O सोडियम सॉल्ट और एसिड। सो अब वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा भी अलग होता है, इसकी प्रिपरेशन है रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या फिर 10H2O। तो अब इसके यूजेस क्या है, ये ग्लास सोप या पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये क्लीनिंग एजेंट है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, रिमूव करता है ये हार्डनेस ऑफ द वाटर, मतलब जो चीज़ वाटर से भी नहीं जा रही उसको ये हेल्प करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो जब अपन कॉपर सल्फेट वाटर क्रिस्टल्स को वो वेपर ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर होते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। देखो जो गैसबम है तो वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, और गैसबम का CS4 प्लस 2H2O है तो उसमें सीधी सी बात है कि वाटर है। तो जब अपन उसको 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो शायद वो ठंडा करते होंगे, क्योंकि 370K तो शायद 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी फ्रैक्चर हुआ होगा तो आपको पता होगा जो प्लास्टर बांधते हैं ना उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, बट ये मैंने मेरे लिए बनाए। सो बट अगर आप कहते हो कि प्लीज़ इनका भी कराओ, खैर ये क्वेश्चंस बुक में नहीं है इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप कहते हो तो फिर मैं ये भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर मैं खुद ही पढ़ लूँगा। चलो अब सॉल्यूशन, तो देखो आज मैं कुछ NCERT के सॉल्यूशंस भी करूँगा, तो अब जब सब लोग यहाँ पर हैं तो फिर मैं एक कोड बता देना चाहता हूँ। सो ये है आज का ATP कोड,
ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl? इसको कहते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर। तो नेम द सब्सटेंस जिसमें क्लोरीन यील्ड्स को ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, तो फिर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर नहीं है वो, पाउडर है, सॉरी जी फिसल गई थी। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर, सो वो है वॉशिंग सोडा। सो वॉट विल, अच्छा हार्ड वाटर समझ में आया, मतलब कि जो पानी वेपराइज हो जाता है बट वहीं भी अटक जाता है वो वाला पानी। वॉट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, तो वो प्रोड्यूस करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी बात है। राइट एन इक्वेशन टू सॉल्व द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ द पेरिस एंड वाटर। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्लास्टर ऑफ द पेरिस एंड वाटर कैन बी रिपीटेड एज CaCO2 एंड हाफ एच टू ओ, यानी कि प्लास्टर ऑफ द पेरिस प्लस हाफ एच टू। देखो ये हाफ एच टू, हाफ एच टू इसलिए है क्योंकि ये वन वन दोनों ही शेयर कर रहे हैं, इसलिए फिर बनता है कास्पम। सो NCERT सॉल्यूशन, इट मीन्स कि चैप्टर खत्म होने वाला है, तो चलो पढ़ लेते हैं। देखो ए सॉल्यूशन है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन pH इज लाइकली टू बी। तो देखो अब उसने अगर रेड लिटमस पेपर पे हो गया है तो बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सो बेसिक सॉल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ मोर देन 7। सिंस द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस, इट्स pH इज लाइकली टू बी 10। मतलब 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बाकी सारे नंबर 7 से छोटे हैं, सिर्फ 7 से बड़ा है तो वो है 10, इसीलिए। सो अब सॉल्यूशन टू, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, को सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रिस्टल एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न स्लाइम वाटर मिल्कली। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो वो सॉल्यूशन में क्या कंटेंस होगा, उसमें होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 10 मिलीलीटर। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना जल्दी सकती सकता हूँ, 6:52 हो रहे हैं बट मैं 6 बजे तक हूँ, मतलब स्कूल नहीं चल रहे फिर भी मेरे को जल्दी जगना पड़ता है और मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे। सिर्फ पता है कितने सब्सक्राइबर है, 59.9। और ये 0.9 वाला कौन है यार। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड इन द कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 10 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। इफ यू टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर टू बी न्यूट्रलाइज। इसका आंसर है 16 ml ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन। सो अब इसमें बताओ कि कौन सी मेडिसिन यूज होगी ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, तो वो है एंटासिड्स। तो देखो अब बस आज की क्लास हो चुकी है ख़त्म, अब बाकी का कल पढ़ेंगे। चाहे जाते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना दिल बड़ा दुखता है, क्यों नहीं करते हो लाइक और सब्सक्राइब। अब मेरे को किसी ने कमेंट किया कि मुंह कहाँ घुसा रखा है भाई, अरे भाई कहाँ घुसा रखा है, फ़ोन के स्पीकर में घुसा रखा है, वॉइस ही नहीं आती सही से। और भाई तुम ऐसे कमेंट्स क्यों करो, सीधा सीधा लिख दो ना कि वॉइस सही से नहीं आ रही भाई कुछ कर। तो मैंने कर दिया, नए वीडियोस देखो, पुराने वीडियोस क्यों देख रहे हो तुम लोग, नए वीडियोस में मज़ा नहीं आ रहा क्या, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है नए वीडियोस में। प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और शेयर करो यार, शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा अपने भाई का।